Hey, what's up guys? This is Rahil Wazir and welcome to new vlog. आज डे है तीन शाबान के दिन आप लोगों को पता होगा योम विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो जितने भी लोग होते हैं स्कर्दू के वो हुस्नाबाद की तरफ रुख करते हैं क्योंकि तीन शाबान को हुस्नाबाद में बड़े लेवल पर मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े उलमा आते हैं बाहर पंजाब वगैरह से। तो हम भी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े स्टॉल लगते हैं, खाने की चीज़ें हर चीज़ मिल जाएंगे क्योंकि आज बहुत बड़ी ईद है। तो हम भी जा रहे हैं, सो चले चलते हैं। चल यहाँ पे कार पार्किंग बनाया गया है, पहले गाड़ियों को आगे बेचते थे लेकिन अभी नहीं बेच रहे क्योंकि रश रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हम पहुँचने वाले हैं और पहुँचते हमने देखा कि यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आर्मी जवान है वो यहाँ पर रोड थ्रू करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज इसी दिन सारे लोग अपने घर में दावत करते हैं तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हमारे दोस्त ने भी हमें दावत किया है अपने घर, तो वहाँ जाकर कुछ खाना खाते हैं। खाना हो गया है, अब एनर्जी थोड़ी आ चुकी है, अब बारी है सही तरह से व्लॉगिंग करें। सो लेट्स गो। और अब बारी है इमाम बारगे की इंटीरियर्स को भी देखा जाए। और जब हम इमाम बारगे के अंदर इंटर हुए तो इमाम बारगा फुली फुल था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी क्योंकि स्कर्दू की आई थिंक हाफ पॉपुलेशन वहाँ मौजूद थी। और इमाम बारगे को फुली डेकोरेटेड किया गया था और साथ में बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे ताकि बाहर जो लोग हैं वो भी आसानी से देख सकें। और जो यहाँ बाहर की तरफ गए तो फुली माहौल बना हुआ था, कोई चीज़ें बेच रहा था, कोई घूम रहा था, कोई खेल रहा था, तो इट्स अ बेस्ट मोमेंट्स। बहुत ही कम स्टॉल लगाए गए हैं, तीं चार से ज़्यादा स्टॉल है ही नहीं, तो मैं क्या छूट लूँ। इस दफ़ा बहुत कम स्टॉल लगाए, वरना पिछले सालों में बहुत बड़े स्टॉल लगाते थे, कोई किसी चाट का, कोई हाँ सही बात। एक शॉर्ट सा ब्लॉग था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ फिर भी अपलोड कर दी मैंने क्योंकि बहुत बड़ी ही थी तो अपलोड करना ज़रूरी था। सो होप एंजॉय दिस वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले ब्लॉग तक लव।